जम्मू में सोमवार से जम्मू कश्मीर नीड बेस और कैजुअल लेबर्स यूनियन पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 72 घंटों की हड़ताल पर गए, जिसके चलते कर्मचारियों ने आज सड़कों पर उतरकर अपना रोष प्रकट किया। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले ही J&K नीड बेस और कैजुअल लेबर्स यूनियन PDD के अध्यक्ष अखिल शर्मा ने प्रेस वार्ता में नीड बेस और कैजुअल लेबर्स की मांगों को लेकर राज्यपाल से अपील करते हुए ये चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उन्हें विवश होकर हड़ताल पर जाना पड़ेगा। अखिल शर्मा ने आज मीडिया के द्वारा राज्यपाल से उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अनुरोध किया और ये भी कहा कि सरकार को जम्मू के नीड बेस और कैजुअल लेबर्स के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। कहना चाहता हूँ कि जम्मू प्रॉमिस वालों के साथ ये भेदभाव हो रहा है। कश्मीर प्रॉमिस में हमारे साथ 7500 लोग नीड बेस थे, उनको आउटसोर्सिंग 364 हट से पे देके उनको डेली वेजर बनाया और डिवीजन लेवल पर DPC करके उनको 312 तक रेगुलर भी कर दिया। अब इन्होंने वो भी बंद कर दी और जम्मू वालों को पेजिस नहीं दी जा रही। हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि हमारी बेसिस हमें जल्द से जल्द दी जाए, क्योंकि हम हिंदुस्तान की जय करने वाले लोग हैं। इनकलाब जिंदाबाद बोलने वाले हैं और पाकिस्तान में जब पाकिस्तान में हिंदुस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगते हैं तो उनको दिया जाती, उनको बेसिस दी जाती है। हमें भी मजबूर मत करें कि हम भी उनकी तरह बने, क्योंकि हम एक पीसफुल तरीके से लेना चाहते हैं पे, क्योंकि और हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि हमें जल्द से जल्द हमारी बेजी दी जाए, क्योंकि कश्मीर प्रॉमिस वालों को अगर ये दे रहे हैं तो PDD डिपार्टमेंट एक ही है, एक विधान दो संविधान वाली बात मत। चलना है अगर वक्त से आगे, बदलना है अगर नजरिया, तो चलते रहिए बस वक्त के साथ। हम दिखाते हैं सबसे पहले, बेशक हो छोटी खबर या बड़ी, वक्त इंडिया, यही वक्त है।